कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ को पार्टी से निकालने की मांग करते हुए कहा कि यदि उन्हें कांग्रेस से नहीं निकाला गया तो यह मान लिया जाएगा कि उनके द्वारा महिला के प्रति इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द कांग्रेस की भाषा है और फिर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। कमल पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन मंत्री इमरती देवी के संबंध में उन्होंने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं वह घोर आपत्तिजनक हैं। कमलनाथ अपने इन शब्दों को सही ठहराने में जुटे हैं, जो ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने कमलनाथ पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने पर जोर देते हुए उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की है, जिससे भविष्य में फिर कोई कांग्रेस नेता आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से बचे। कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश के सभी उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत होगी, जो महिला अपमान पर कांग्रेस को जनता का करारा जवाब होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस विधानसभा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा जो हमारी बहन मंत्री श्रीमती इमरती देवी का जो अपमान किया जिन शब्दों का उपयोग करके और बार बार उस असंसदीय शब्द को संसदीय करार देकर एक और अपराध कमलनाथ कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो आपराधिक अनुसूचित जाति की महिला का अपमान करने का प्रकरण कायम होना चाहिए, ये अपराधी है। दूसरा, क्या कांग्रेस की यही संस्कृति है जो असंसदीय को संसदीय कह रहे हैं? क्या कमलनाथ जी अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ और महिलाओं के बारे में, परिवार और कांग्रेस के नेताओं के महिलाओं के बारे में भी यही सोच रखते हैं? इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करेंगे क्या? तो ये हमारे, हम उनके लिए भी करेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। और यह असंसदीय अपमानजनक शब्द का प्रयोग करके और गलत कार्य को सही सिद्ध करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, इस पद पर प्रदेश का मुखिया रहा हुआ, अपने परिवार का अपमान कर रहा है, समाज का अपमान कर रहा, महिला जाति का अपमान कर रहा, मातृशक्ति का अपमान कर रहा। और इसलिए मैं सोनिया जी से मांग करता हूं कि तत्काल इनको पार्टी से बाहर करें, ताकि कांग्रेस का दूसरा नेता इस प्रकार का महिलाओं का अपमान करने की हिम्मत ना कर सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।